नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज किसी भी तरह का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 8 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाईकोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, जरा बताएं, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, साफ तौर से एनटीए की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर थी। एनटीए ने ये कहा कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लिहाजा उन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करे, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनसे कहीं ना कहीं तमाम छात्रों के बीच में भ्रम पैदा हो रहा है, और ऐसे में अगर एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में और भी याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें सेंटर मैनिपुलेशन था, सीबीआई इंक्वायरी की मांग थी, पेपर को रद्द करने की मांग थी। तो इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है और 8 जुलाई के लिए सुनवाई के लिए रखा है। हालांकि सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स पार्टी ऑर्डर हम नहीं दे सकते जब तक दूसरे पक्ष को ना सुने। ऐसे में तमाम याचिकाओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर कोई रोक अभी नहीं लगाई है, क्योंकि साफ तौर से एनटीए की तरफ से यह कहा गया था कि वो उनकी खुद जो मीटिंग हुई है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें जांच को लेकर कमेटी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह भी है कि एनटीए की तरफ से जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला होगा, क्योंकि एनटीए भी ये नहीं चाहता कि डिफरेंट हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई को अलग अलग तरीके से डील करें। लिहाजा एक क्लब याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही सारी बातें रखी जाएंगी। तो अपर्णा, सीधे तौर पर माने तो अब देश की सबसे बड़ी अदालत ही नीट के मामले में सुनवाई आने वाले दिनों में करेगी। सीबीआई जांच की अगर बात करें तो सीबीआई जांच पर अभी किसी भी तरीके से कोई भी आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि अभी तमाम पहलुओं को सुनना चाहती है और सुनने के बाद ही फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुशील हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। बढ़ते आगे बात उज्जैन की करते हैं, जहां सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। करोड़ों रुपए के साथ 9 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए, 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए सट्टेबाज यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा है। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर सट्टा चल रहा था। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय बताएं, यहां पर एक बिल्डर के घर पर सट्टा चल रहा था। इसने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि उज्जैन के इंदौर रोड स्थित कृष्णा विहार के पास में 90 ड्रीम कॉलोनी है, यहाँ पर जो है देर रात को कार्रवाई की गई थी। वहीं दूसरी थाना क्षेत्र जो खारकुआ थाना क्षेत्र है वहां पर भी कार्रवाई की गई थी मुसद्दीपुरा में। ये दोनों जगह कार्रवाई करने के बाद पुलिस को बड़ी रकम हाथ लगी है, क्योंकि ये रकम करोड़ों में बताई जा रही है। फिलहाल अभी 10 से 15 करोड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। आप देख सकते हो पुलिस कंट्रोल रूम का ये नजारा, यहाँ पर जो है कुछ ही देर में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और इस पूरी कार्रवाई में जो है 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ जो मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा है वो फरार है। इसी के साथ इसमें जो विदेशी करेंसी भी मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में और कितने लोग लिप्त हैं और कब से ये नेटवर्क चलता आ रहा था, इस पूरे विषय में पुलिस जो है जांच कर रही है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसको लेकर ये सट्टा लगातार चल रहा था, इसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात से ही जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और इसमें नोटों को गिनने वाली मशीन मंगवाई गई, मशीनों से नोट को गिना गया है, और अब जाके ये जो नोट गिनने की कार्रवाई खत्म हुई है और पुलिस पीसी की तैयारी कर रही है। अंदर नोटों की गड्डिया जो है टेबल पे जमाई जा रही है, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, मोबाइल जब्त किए गए हैं,
9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम उज्जैन पुलिस ने दिया है। जी अजय, जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सभी लोग उज्जैन के ही हैं या बाहर से आए हुए हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल इतनी जानकारी लगी है कि पीयूष चोपड़ा के मकान पर ये जो है कारोबार चल रहा था, और फिलहाल ये लोग कौन है, अभी उज्जैन के रहने वाले हैं या फिर अन्य जगहों के से भी आकर यहाँ पे सट्टे के कारोबार में लिप्त थे, तो इस पूरे विषय में भी थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार ये कब से चलता आ रहा था और कितने लोग इसके साथ सम्मिलित थे। जी बिल्कुल अजय, और हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है थोड़ी ही देर में, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे खुलासा करेगी किस तरह से यहां पर पुलिस को टिप मिली थी, उसके बाद ये एक्शन लिया गया, कौन कौन पकड़ा गया है, क्या कुछ माल यहां से मिला है। धन्यवाद अजय पटवा आपका पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से को लेकर। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहां, और यहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, सट्टा खेला जा रहा था एक बिल्डर के घर पर, और करोड़ों रुपए मिले हैं पैसे गिनने के लिए, नोट गिनने के लिए यहां पर मशीन तक मंगवानी पड़ गई थी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में ये छापा पड़ा है, जहां एक बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर यह सट्टा चल रहा था। यहां मुंह छुपा रहे हैं ये लोग जो सट्टेबाजी करते हुए पकड़े गए हैं, सट्टा खेलते हुए पकड़े गए हैं। और अब बात इंदौर की, जहां रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान मैनेजर का खुलासा, 2 दर्जन फार्म हाउस में रात भर पार्टियां चलती थी, क्लब और बार में आरोपी काम कर चुकी है, और पिछले दिनों ही रेव पार्टी पर यहां पर छापा पड़ा था, जहां से कई लड़के और लड़कियां पकड़े गए थे। रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली मैनेजर को अरेस्ट किया गया है। तो क्लब और बार में ये मैनेजर काम कर चुकी है इससे पहले, और रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की थी इस मैनेजर ने, इसको लेकर खुलासे भी किए हैं और कहा है कि ऐसे कई फार्म हाउस हैं जहां रात रात भर रेव पार्टीज चलती हैं। 2 दर्जन फार्म हाउस हैं जहां पर इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जहां पर युवा इकट्ठा होते हैं और इस तरह से ये गैर कानूनी पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इंदौर में रेव पार्टी मैनेजर को गिरफ्तार करने के दौरान मैनेजर ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि 2 दर्जन फार्म हाउसेज हैं जहां पर रात भर पार्टियां चलती हैं। ये मैनेजर पहले क्लब और बार में भी काम कर चुकी है। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां होटल में लड़कियों ने हंगामा किया, इवेंट के नाम पर कई मॉडल्स के साथ ठगी हुई, पैसे लेकर भागा आयोजक शुभम पटेल, लड़कियों से लिए गए थे 5,000 रुपए। एमपी राजस्थान की कई मॉडल से पैसे लिए गए थे, मेकअप ड्रेस और फूड के नाम पर ये पैसे लिए थे। सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रचार हो रहा था, 140 मॉडल ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था। मल्हारगंज थाने में अब इन्होंने शिकायत दी है। इवेंट हो रहा था एसपी प्रोडक्शन की तरफ से, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था शुभम पटेल द्वारा। उन्होंने यहाँ मॉडल्स बुलाई, हमें बुलाया, ना ही हमारा स्टे रखा ढंग से, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वो एक प्रोग्राम रख रहे थे। इन्हें मेकअप आर्टिस्ट बुलवाया, मेकअप करवाया, और एट लास्ट भाग गया, पता नहीं कहाँ भागा है। और ये भी बोल के गया है कि सारी मॉडल्स को वापस घर भेज दिया जाए, मैं अभी किसी के पैसे रिफंड नहीं कर पाऊँगा, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, ऐसा इसने बोला है अपने गेस्ट। राजस्थान से बुलाया था, यहाँ पर इवेंट था, मैं फ़्लाइट करके आई हूँ और यहाँ पर कोई इवेंट नहीं है, बोल रहे हैं कि आप चले जाओ सुबह से, भूखे प्यासे हम यहाँ पर थके खा रहे हैं।
अगली खबर रायसेन से है, जहां पर पत्नी की खुदकुशी के बाद पति ने भी जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। मायके नहीं ले जाने से नाराज पत्नी ने अपनी जान दे दी थी। पत्नी की मौत के एक दिन बाद पति ने भी फांसी लगा ली। एक साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सुल्तानगंज पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये वही लोकेशन जहां पर शख्स ने खुदकुशी कर ली। इसकी पत्नी ने पहले खुदकुशी की, उसके बाद पति ने भी जान दे दी। था उसको ले गए, साथ में भरत भी था, तो सागर ले गए। सागर में दिन भर रहा और रात के घर आया, उससे उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है घर वाल लड़के के घर वालों ने धमकी वमकी दी हो। अच्छा, मतलब पहले बहू ने जो सुसाइड किया तो उसके परिजनों ने धमकी दी इसके लिए। हाँ, उस वजह से उसने इधर आके उधर कर लिया। शादी कब हुई थी इसकी? एक साल पहले। मृतक भरत रेकवार जो घर से लोटे लेके निकला था और के घर पे कौशल्या बाई को बता के गया था, तो वो थोड़ी देर फिर नहीं आया, तो उसको आसपास तलाश किया तो राजा राम के खेत के पास नाले में एक कोहवा का पेड़ है जिससे रस्सी से फांसी से टंगा हुआ मिला है। सूचना पर मर कायम का जांच में लिया गया है। तो एक साल पहले दोनों की शादी हुई थी। पत्नी मायके जाना चाह रही थी, मायके जाने से जब मना किया गया तो उसने फिर अपनी जान दे दी और उसके बाद अपने जो उसका पति था उसने भी सुसाइड कर लिया। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। ऑडियो भेजकर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी जैश ए मोहम्मद की ओर से दी गई है। एक ऑडियो भेजा गया है जिस ऑडियो में मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस ऑडियो को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो ऑडियो क्लिप आपने सुना जिसमें राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दी गई है। इसी ऑडियो को अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें जिस तरह से ये ऑडियो क्लिप सामने आया है उसके बाद अब सुरक्षा जाहिर तौर पर बढ़ा दी गई है। अलर्ट के बाद राम मंदिर के आसपास की ये पूरा वैसे ही संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन भक्तों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा को और पुख्ता यहाँ पर कर दिया गया है। इस तरह की धमकी मिली है एक ऑडियो मैसेज के जरिए और अब सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो मैसेज की जांच कर रही हैं। जैश ए मोहम्मद की ओर से धमकी भरा ऑडियो जारी किया गया है। अलर्ट के बाद राम मंदिर परिसर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। 2001 में राम मंदिर पर आतंकी हमला भी हो चुका है और आइए एक बार फिर सुनाते हैं आपको वो ऑडियो जो जांच की जा रही है जिसकी। की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह। अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और भी जानकारी हासिल करेंगे, ऐसे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आतंकी हमले की ये धमकी एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई है। इस ऑडियो मैसेज की अब जांच की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑडियो की जांच अब शुरू कर दी है। बाप
बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी। और हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये जो ऑडियो मैसेज आया है इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है? काफी वहां पर देखा गया है जिस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और खास तौर पर देखिए एक बस जिस पर हमला किया गया था जिसमें कि 9 से ज्यादा लोगों की जान गई वहां पर, उस बस में ज्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश के थे। तो ये भी मामला अब जांच के रडार पर है, खास तौर पर जांच एजेंसी NIA इस मामले की पड़ताल में जुटी है। क्या ये बस की रेखी की गई थी? क्या उस बस में जो सवार थे वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं? क्या इस मामले की जानकारी उन आतंकियों को थी जो जिसने उस हत्याकांड बस पे वहां पर हमला को अंजाम दिया था? तो ये मामला भी जांच का है। अब देखा जाए तो तमाम कड़ियों की अगर देखा जाए कि जिस तरह से तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं कि एक तरफ जिस तरह से उस बस पे हमला किया जाता है, जो जिस बस में ज्यादातर लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे, जम्मू में गए थे, और उस बस में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के सवार थे। दूसरी तरफ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो एक ऐतिहासिक जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आतंकी संगठन के द्वारा धमकी दी जा रही है, और कहीं कहीं इस मामले पर जिस तरह से देखा जाए कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी है, उसके बाद जिस तरह से आतंकी संगठन इस तरह की छोटी मोटी वारदात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं कहीं इस मामले को लेकर जिस तरह से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी बेहद सख्त नजर आ रहा है इस मामले को लेकर। अब हमारे जो सूत्र बताते हैं कि कल परसों भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस महत्वपूर्ण बैठक में भी उन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है, और ऐसे आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का जो एक आदेश जो है वो भी दिया गया है। तो एक शंकर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में शिकारा, जी हाँ, कश्मीर की डल झील के तर्ज पर अब आपको भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा चलते मिलेंगे। आज शिकारा का शुभारंभ विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने किया। बता दें कि NGT के आदेश पर बड़े तालाब में क्रूज चलाना बंद किया गया है, ऐसे में बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए अब बड़े तालाब में शिकारा चलाया जा रहा है। महापौर की माने तो इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया है, और अगर ये कामयाब रहा तो और भी शिकारे इस तालाब में उतारे जाएंगे। शुभारंभ किया विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय ने। NGT के आदेश पर यहां पर क्रूज जो चलने थे वो बंद कर दिए गए हैं, और अब शिकारा शुरू किया गया है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो फिर यहां पर जो शिकारे हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। क्योंकि जो और आइए अब देखते हैं टॉप 20। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग, धमोखर क्षेत्र के जंगल में लगी आग। शाजापुर में बस के पिछले टायर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। जबलपुर में पिकअप से टकराया चीतल, चीतल से हुई टक्कर के बाद पलटा पिकअप। दतिया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 की मौत। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच और काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार। इंदौर में रेप पार्टी के मैनेजर ने पूछताछ में किया खुलासा। बैतूल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये रोड शो फिलहाल जारी है। देख सकते हैं आप समर्थकों की भीड़, कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये बैतूल की तस्वीरें हैं जहां पर CM डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और
आज हम सब हमारे माँ काफी के सरोवर पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर भी किया। बैतूल के मुल्तान से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी हैं। खबरें जारी हैं यार, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।